मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 5 पुजारी और 4 श्रद्धालु झुलस गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता देते हैं कि आरती के दौरान गुलाल उड़ाने के बाद आग लगी है, क्योंकि गुलाल में केमिकल था जिसकी वजह से आग लगी है। गर्भगृह में होली के चलते कवर लगाया गया जिसने आग पकड़ी और श्रद्धालुओं पर गिर गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सभी खतरे से बाहर हैं, डॉक्टर्स बता चुके हैं ये। उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सुबह भस्म आरती के दौरान जब पूजा चल रही थी उस वक्त आग लगने का मामला सामने आया। 13 लोगों के झुलसने की खबर है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक और वीडियो जो भी सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें भी आपको बता देते हैं कि रंग गुलाल जैसे ही उड़ाया गया, रंग गुलाल उड़ाते ही आग भभकती चली गई, क्योंकि गुलाल में केमिकल था। जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गनीमत जितने भी लोग, 13 लोग बताए जा रहे हैं इस अग्निकांड में झुलसे हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है। जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई है और अब जांच पड़ताल में आखिरकार एक सही वजह सामने निकल कर आएगी कि महाकाल मंदिर में आखिर आग लगी कैसे। घटना घटित हुई थी जिसमें कि कपूर आरती के दौरान गुलाल वगैरह गिरने से आरती की आग पलटी थी और वो थोड़ा बड़ा स्वरूप उसने ले लिया था। और इसमें 14 लोग ऐसे हैं जिनको कि यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। 8 लोगों को अभी अरविंदो हॉस्पिटल वो जाना चाहते थे तो फिर वहाँ पे भेजा गया। सभी को सुपरफिशियल बर्न्स हैं, मेजर बर्न्स नहीं है अभी और सभी की स्थिति सामान्य है। इस पूरी घटना को देखते हुए एक इंक्वायरी टीम भी जर्नलिस्टल इंक्वायरी की गठित की गई है जो कि 3 दिवस में पूरी रिपोर्ट देगी। उधर महाकाल मंदिर में हुए हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संदर्भ में सीएम मोहन यादव से जानकारी ले ली गई है और जानकारी लेने के बाद स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।